घर में शादी होती है, हर परिवार में ऐसा होता है, शादी होती है तो शादी के समय आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा है कि हमेशा एक अंकल जी होते हैं जो कोने में बैठ जाते हैं और अपना छोटा सा दरबार लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं, होते हैं ना, जो भी बोर हो रहा होता है वो कहता है कि भाई सुनू मैं अंकल जी क्या कह रहे हैं, जाके सुनते हैं कि अंकल जी क्या कह रहे हैं, आज कुछ ना कुछ नया तो लाएंगे। और अंकल जी सबको अपना ज्ञान देते रहते हैं, देते हैं कि नहीं, है ना। अब आप बताओ, एक दिन अगर आप ऐसे एक शादी में या कहीं भी आप चाय की दुकान में बैठे और एक ऐसे ज्ञान देने वाले अंकल जी बैठे हो और वो कह रहे हैं सबको कि सावधान हो जाओ, अब जब सरकार आएगी ना कांग्रेस की, तो एक्सरे की मशीन लाकर तुम्हारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बचत अपनी की हुई है या तुम्हारी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं उसको एक्सरे से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी और किसी और को दे देगी। हंस रहे हो ना। मान लो किसी चाय के दुकान में या किसी शादी में किसी ज्ञान देने वाले अंकल ने ऐसी बात कह दी हो तो आप क्या कहते? आप कहते कि भाई आज तो अंकल ने बहुत बड़ी बात कर ली, खूब गहरी साजिश निकाल दी। हंसते ना, हंसते कि नहीं हंसते? आप कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं यार अंकल, कुछ नया सोचो। अब देश की परिस्थिति ये हो गई है कि उसी तरह से देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी जो सबसे बड़ा पद ले रखे हैं देश में, जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, उस पद की गरिमा को, उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बकवास की बातें आपके सामने चुनाव की। तो वो सोच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि पद है, क्योंकि पद की गंभीरता है, वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही फिजूल की बातें करूंगा और पब्लिक सोचेगी कि ये सच है, ये सच हो सकता है। आप सोचिए, ये सच हो सकता है कि कोई ऐसा राजनीतिक दल सरकार बनाएगा जिसमें एक्सरे लेके आपके घर के अंदर घुसकर आपके गहने निकाल के किसी और को दे देगा, ये सच हो सकता है? अरे क्या इनको समस्या हो गई है हमारे न्याय पत्र से? क्या समस्या हो गई है? हम न्याय कह रहे हैं इसलिए, हम न्याय दिलवाएंगे इसलिए।